हेलो दोस्तों, हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं इलेक्ट्रिकल लैब जो पॉलिटेक्निक के लिए आईटीआई एंड बीटेक के लिए होता है। तो यहाँ पे सब हम देखा जाता है कि यह हमारा जो लैब का जो विद्युत सप्लाई आती है, मेन स्विच बोर्ड यहीं से स्थापित किया गया है और अलग अलग लैबों में यहीं से विद्युत सप्लाई दिया जाएगा। तो ये जो बॉक्स बने हुए, इस बॉक्स के माध्यम से सप्लाई दे करके कटआउट किया जाएगा। अब हम आगे दिखाते हैं आप लोगों को इस लैब में चल करके देखा जाता है कैसे बनेगी। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे विद्युत सप्लाई वहाँ से ऑन करेंगे मेन स्विच बोर्ड से, फिर इसके बाद यहाँ पे एमसीबी लगा हुआ है। इस एमसीबी के माध्यम से विद्युत सप्लाई को जैसे इस लैब में ऑन करना होता है, तो मेन स्विच यहाँ पे देखो ये आप पोजीशन हो गया, जितने भी एमसीबी लगी हुई है ये आप पोजीशन में। अब जब जैसे इसको उठाएंगे ऊपर की तरफ करेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑन पोजीशन में आएगा। ये क्या होगा, ऑन पोजीशन में हो गया यहाँ से सप्लाई। फिर हमारा जो दिया गया है, डिवाइड किया गया है वो सप्लाई अब इस लैब में यहाँ पे आती है। यहाँ पे मेन स्विच बोर्ड बना हुआ है। यह इस बोर्ड में क्या होता है, ये ट्रिपल पोल आयरन प्लेट स्विच है, टीपीआई से स्विच है। अब इस स्विच में क्या होता है कि तो मोटरों में सप्लाई देनी होती है, तो मोटरों में अलग अलग से सप्लाई देने के लिए यहाँ पे ये हमारे स्विच बोर्ड हैं। एक स्विच बोर्ड सेम उसी तरीके से ये भी है, दूसरा ये भी है। कुछ मोटरों के लिए यहाँ दिया जाता है सप्लाई और कुछ मोटरों के लिए हमारे यहाँ पे दिया जाएगा सप्लाई। तो इस सप्लाई के माध्यम से क्या होता है, ये हमारा मेन स्विच है। यहाँ पे देखो ये स्विच लगे हुए स्विच बॉक्स है। और अब इसके हम लोग यहाँ सप्लाई को ऑन करते हैं। ये सप्लाई तब ऑन होता है जब आप इस हैंडल को यहाँ लगा हैंडल ऊपर उठाते हैं। जब आप इस हैंडल को ऊपर उठाओगे तो सप्लाई ऑन हो जाएगी, मोटरों में जाना चालू होता है। तो हम लोग ऐसे ऑफ पोजिशन पर रख देते हैं। तो इस आधार पे ये जो लैब की संरचना है, अब कुछ मोटरें हमारी जो डीसी के द्वारा यहाँ पे ऑपरेट होते हैं, तो डीसी के माध्यम से ऑपरेट किया जाएगा। यहाँ पे एक रेक्टिफायर रखा हुआ है, इस रेक्टिफायर के माध्यम से सप्लाई जो डीसी सप्लाई दिया जाएगा। और ये डीसी सप्लाई जो मोटरों में डीसी पर ऑपरेट होने वाली मोटरें होती हैं उनमें किया जाता है। और यहाँ पे जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये जो पैनल बना हुआ है, वो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लोड टेस्टिंग के लिए होता है। और ये हमारे जो नीचे हैं यहाँ पे वाट मीटर रखे हुए हैं, तो वाट मीटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पावर को कैलकुलेशन करते हैं। और इसमें यहाँ पे ये हमारा जो सप्लाई है वो सप्लाई पैनल के माध्यम से आता है। ये हमारा क्या है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जो हमारा क्या है, यह चार पोल की मोटर है, 2 HP का मोटर है। इसमें क्या है, 3 HP यहाँ पे 415 वोल्ट लिखा हुआ है और 2 HP का मोटर है, 1.5 किलोवाट यहाँ पे लिखा है। और ये ब्रेक डम पुल्ली सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, तो ब्रेक डम पुल्ली के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। और ये थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के माध्यम से यदि सप्लाई को ऑन ऑफ करना होता, चलाना होता थ्री फेज प्रेरर मोटर को, इसके माध्यम से इसको ऑन किया जाता है। और अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक अगला जो हमारा पैनल बॉक्स बना हुआ है, यह थ्री फेज 2 वाट मीटर के माध्यम से अगर थ्री फेज पावर सप्लाई की गणना करनी होती है, तो ये हमारा क्या होता है, 2 वाट मीटर के माध्यम से क्या करते हैं, थ्री फेज पावर की गणना करेंगे। यहाँ पे एक हमारा वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक मीटर है और ये हमारी यहाँ पे एमसीबी लगी हुई है। ठीक, इस माध्यम से ऑन ऑफ करते हैं और ये हमारे 2 वाट मीटर लगे हैं। इन वाट मीटर के आधार पर हम लोग रीडिंग की गणना करते हैं। और जैसे ऑन करें तो यहाँ से सप्लाई हमारे लोड है, एक लोड है, ये हमारा जो लोड है वह रजिस्ट्रेटिव लोड है। वो क्या है, रजिस्ट्रेटिव लोड है। इसलिए जो रजिस्ट्रेटिव लोड है, इस लोड के आधार पे हम लोग इसमें वेरिएशन करके सप्लाई को घटा बढ़ा करके, लोडों को घटा बढ़ा करके, तो हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न भारों पर पावर सप्लाई के अनुसार की गणना करते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा ऑन ऑफ करिए, और जो हमारा जो लोड है ये स्टार कनेक्टेड लोड है, ये तरीके से हम क्या करते हैं, थ्री फेज सप्लाई की अगर पावर कैलकुलेशन करना होता है तो पावर का कैलकुलेशन किया जाता है। और ये जो अगला दिख रहा है पैनल, ये हमारा पैनल जो है सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व को प्राप्त करने के लिए पैनल बनाया गया हुआ है। एक एमजी सेट है, इसमें मोटर जनरेटर का सेट बना हुआ है। तो डीसी जनरेटर जो है हमारा लगा हुआ है, एसी सिंक्रोनस मोटर है। तो इस आधार पर एमजी सेट तैयार किया गया है और ये हमारे एरोस्टेट लगे हुए हैं। और ये हमारे क्या है, ये बीआर एक्साइटेशन देने के लिए स्ट्रक्चर लगा हुआ है। और ये हमारे क्या है, मोटर
और ये जनरेटर के लिए है, जनरेटर के फिलिंग के लिए इतना। तो इस तरीके से ये हमारा जो दिया हुआ है, और यहाँ से मेरे सप्लाई ऑन ऑफ करने के लिए पहले स्विच माध्यम से हम लोग क्या करते हैं ऑन ऑफ करते हैं। और ये तरीके के देखो, इस मोटर में यहाँ पे जो दिखाया गया है वह हमारा सिंक्रोनस मोटर डीसी मशीन का कम्बिनेशन करके बनाया गया है, जो इसमें 3 HP का मोटर है। ये जो बना हुआ है यहाँ पे देखो, 3 HP का मोटर जो 1500 RPM से रन करेगा। इस मोटर के आधार पर यह मैकेनिकली कपल है, तो हम लोग कर सकते हैं। अगर ये मोटर का वी कर्व को प्राप्त करना होता है तो इस माध्यम से मोटर के वी कर्व को प्राप्त किया जाता है। और अगला हम लोग देखते हैं कि जैसे पैनल को नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट निकालना होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में चूँकि कैपेसिटर लगा होता है, तो यहाँ पे कैपेसिटर ये अपना लगा हुआ है टर्मिनल कैपेसिटर का। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई या मीटर की मेन वाइंडिंग हो गई। तो इन दोनों वाइंडिंग के माध्यम से यहाँ पे एक हमारा स्टार्टर लगा हुआ है। ये दो स्टार्टर ऑन ऑफ करने का स्विच लगे, इसके पीछे यहाँ स्टार्टर है। स्टार्टर के माध्यम से ऑपरेट होगा, यहाँ से मेन सप्लाई को ले ऑन ऑफ किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा वोल्ट मीटर और ये जो है अमीटर लगा हुआ है। तो इस माध्यम से क्या होता है, ये पैनल स्थापित किया गया है। इन पैनल के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल फेज मोटर को अगर नो लोड टेस्ट और ब्लॉक मोटर टेस्ट को ज्ञात करना होता है, इस माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है। ये इसके सिस्टम स्थापित किया गया, जो ब्रेक डम पुली सिस्टम बनाया गया है। तो ब्रेक डम पुली सिस्टम के माध्यम से इसको किया गया। ये 1 HP का मोटर है, यह 1 HP का मोटर है, 230 वोल्टेज इसमें सप्लाई आएगी। तो इस तरीके से ये देखो, अगला जो पैनल है ये हमारा, यह पैनल फॉर द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लोड रेशियो टेस्ट। अगर ट्रांसफार्मर में लोड रेशियो टेस्ट करना होता है तो इस पैनल के माध्यम से ऑपरेट कराया जाता है। और यहाँ पे क्या है, एक हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ बैठा गया है। इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से अगर लोड को कैलकुलेशन करना होता है, लोड से रेशियो टेस्ट ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर जो बना हुआ, यहाँ पे ट्रांसफार्मर टेकिंग 50%, यहाँ पे 86.6% या 100% टेकिंग किया गया। तो टेकिंग के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर का रेशियो निकालना होता है। तो रेशियो को फाइंड आउट किया जाता है नो लोड के आधार पर। अब ये जो अगला पैनल है सेम, ये हमारा क्या है, पैनल फॉर मेजरमेंट ऑफ द पावर इन सिंगल फेज सर्किट। तो सिंगल फेज सर्किट के लिए क्या करता है, अगर पावर की मेजरमेंट करनी होती है तो इस पैनल के माध्यम से पावर का कैलकुलेशन किया जाता है। पावर की कैलकुलेशन करना होता है सिंगल फेज के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी माध्यम को ऑपरेट करा कर करके करते हैं। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये हमारी क्या है, ऑन ऑफ करने का स्विच है। यहाँ से मेन सप्लाई पहले देंगे, स्विच ऑन करेंगे तब जाएगा। ये हमारा वोल्ट मीटर या मीटर है। और इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ देखिए एक मीटर लगा हुआ है, जो मीटर रेंज में जीरो से एम्पीयर तक ही करना करेगा। अब देखो यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को, एक चोक कॉइल है, ये हमारी चोक इंडक्टिव कॉइल होता है। इस कॉइल का भी यूज इसमें किया जाता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, जो रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी सप्लाई आता था, तो ये हमारे क्या है, डीसी सीरीज मोटर है। तो 2 पॉइंट स्टार्टर हम लोग यूज करते थे डीसी सीरीज मोटर के लिए। तो डीसी सीरीज मोटर का ये स्टार्टर है, ये हमारा क्या स्टार्टर है, हमारा स्टार्टर है। स्टार्टर में ये वोल्टेज बताएगा कितने वोल्टेज रीडिंग आ रही है। और ये जो हमारा रीडिंग बना हुआ है, ये अमीटर पे रीडिंग बताता है। और ये मोटर के मोटर की फील्ड कुंडली है, तो मोटर की फील्ड कुंडली को श्रेणीक्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो इस आधार पर डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक को ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं। और ये हमारा जो मोटर है, ये डीसी मोटर है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ब्रेकडम पुली सिस्टम ऐसा बना हुआ है, यह डीसी मोटर है। और इस मोटर में देखा जाएगा तो हमारा जो 2 HP का मोटर है, और जो 1500 RPM से घूमेगा, ये जो हमारा 1500 RPM का आधार घूमेगा, 2 HP का मोटर है। तो उस 2 HP का मोटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर को कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। अब हम अगला चीज़ यह देखते हैं, ये जो पैनल बोर्ड बना हुआ है, मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक और डीसी स्टंट जनरेटर। तो डीसी स्टंट जनरेटर का मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डीसी स्टंट जनरेटर का यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है, एक MG सेट दिया गया है, एक मोटर होता है, ये जो मोटर है जिसमें दिख रहा है, और ये वाला जो है जनरेटर के लिए है। तो जनरेटर मोटर और जनरेटर के दोनों का कम्बिनेशन करके यहाँ पे रोहस्टेट लगा हुआ है। देखो ये हमारा रोहस्टेट है, ये स्टार्टर है, ये अपना क्या है स्टार्टर है, ये हमारा मेन सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए बना हुआ है। स्विच विद फ्यूज के साथ लगा हुआ है, इसमें 240 वोल्ट आएगा, 16 एम्पीयर का ये फ्यूज वोल्ट है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर रोहस्टेट लगा करके ये जो MG सेट, देखो यहाँ पे आपको पैनल दिख रहा है, जनरेटर का यहाँ पे सेट तैयार किया गया है। इस सेट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि पैनल का मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक को निकाला जाता है। और अगला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो बना हुआ है पैनल, ये
ये पैनल है, पैनल का लोड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर का अगर लोड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात करना होता है 3.0 4.0 स्टार्टर हम लोग क्या करते हैं फ्रंट और मोटर के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये अभी स्विच है 16 एम्पियर का 240 वोल्ट एसी के लिए, क्या हैवेल्स कंपनी का इंडियन लिमिटेड का बना हुआ है ये स्विच पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए। और ये हमारा स्टार्टर है, ये हमारा क्या है स्टार्टर है। स्टार्टर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं मोटर की स्पीड को घटाते बढ़ाते हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि इसमें भी क्या एक मोटर जनरेटर का सेट बनाया गया है एमजी सेट तैयार के लिए। मोटर की ऑक्सिलरी वाइंड ये मेन वाइंडिंग है, एक साइड इसमें बिजली की जनरेटर की होती है। इस तरीके से क्या करते हैं कि इनको जो बनाया गया है डीसी कंपाउंड जनरेटर के रूप में ऑपरेट कराया जाता है। और यहाँ पे रोहस्टेट लगा हुआ है, ये रोहस्टेट है, रोहस्टेट के माध्यम से क्या करते हैं एक्साइटेशन को कम ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को हम दिखाते हैं कि हमारा लोड है एक प्रकार का यहाँ पे रखा हुआ है जो कैपेसिटी लोड है। ये देखो इसमें जो कैपेसिटर चार पाँच कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर हैं। तो कैपेसिटी लोड के लिए हम लोग अगर लोड लगाना होता है कैपेसिटी लोड होता है यहाँ ऑन करने के लिए। और ये स्विच मेन स्विच होता है, यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा। तो विभिन्न भारों का अगर कैपेसिटी लोड के लिए अगर हम लोग ऑपरेट कराते हैं। और आगे देखिए पैनल और थ्री फेज एसी जनरेटर के लिए है। एसी जनरेटर के लिए अगर थ्री फेज का ये पैनल बना हुआ है, यहाँ पे पैनल में देखा जाता है कि हमारा एक डीसी मोटर होता है एक डीसी जनरेटर होता है। तो मोटर और जनरेटर के लिए यहाँ पे किया जाता है डीसी। देखो यहाँ पे वायर आउटपुट है यहाँ पे, और एसी इनपुट यहाँ पे एसी इनपुट के लिए बना हुआ है, डीसी वायर आउटपुट के लिए होता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है सप्लाई कम ज़्यादा करने के लिए, ये एक्साइटेशन देने का अनगाव के लिए है। और ये देखो यहाँ पे स्टार्टर लगा हुआ है, ये स्टार्टर यहाँ पे भी है। और विद्युत सप्लाई को यहाँ ऑफ करने के लिए यहाँ पे भी मेन सप्लाई को ऑफ करना ऑन करना है, यही ऑन किया जाएगा। जो कि फ्यूज सहित लगा हुआ, देखो इसमें फ्यूज लगा हुआ है, रेटिंग बना हुआ। अब इसमें क्या फ्यूज यूनिट लगा हुआ है, फ्यूज बना हुआ है 40 वोल्ट 50 करके ऑपरेट होने वाली ये डिवाइस। और यहाँ पे देखो एक तरीके जो कॉइल है ये, और इसका जो मोटर जनरेटर सेट तैयार किया गया है वह मोटर जनरेटर सेट अपना ये है, ये दोनों है मोटर जनरेटर सेट करता है, ये चीज़ें बनाई गई है इसमें। और ये हमारी मशीन लैब में, और ये जो सामने आप लोगों को दिख रहा है ये हमारा क्या है पैनल फॉर सिंगल फेस डीसी रेक्टिफायर सप्लाई। तो डीसी और एसी का वोल्टेज करंट का रेशियो ज्ञात करना होता है तो वहाँ पे किया जाता है। ये हमारा लोड है जिसमें बल्ब लगे हुए हैं, इस बल्ब के आधार पे लोड को घटाया बढ़ाया जाता है। और ये देखो यहाँ पे ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ऑटो ट्रांसफार्मर है ये तो सप्लाई को कम ज़्यादा करने के लिए। और यहाँ पे एक्साइटेशन वायर एक्साइटेशन, और यहाँ पे देखो ये हमारे फ्यूज लगे हुए हैं, फ्यूज सिस्टम बना हुआ है ये क्या फ्यूज सिस्टम बना हुआ। तो इस आधार पे क्या होता है ट्रांसफार्मर पे अगर वो सिंगल फेज रेक्टिफायर के माध्यम से एसी और डीसी वोल्टेज करंट का रेशियो ज्ञात करना होता है। तो इस पैनल के माध्यम से क्या किया जाता है ज्ञात किया जाता है। और इसमें और एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये लोड है, लोड में क्या होता है बढ़ा करके और घटा करके हम लोग विभिन्न भारों पर इस चीज़ की गणना करते हैं, विभिन्न भारों पर गणना किया जाता है। तो आज बस इतना ही इस लैब के बारे में आप लोगों को बहुत बताते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारा टेबल है, टेबल बना हुआ है, ये सब चीज़ें और इस आधार पे यहाँ से सब कुछ देख करके पूरा चीज़ें को ऑपरेट कराया जाता है। और आज सप्लाई किया जाता है।